हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सीएसएस के ट्यूटोरियल में हम बॉक्स शैडो के बारे में देखेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने टेक्स्ट शैडो के बारे में देखा था। बॉक्स शैडो और टेक्स्ट शैडो दोनों सेम ही हैं। टेक्स्ट शैडो को हम किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शैडो देने के लिए यूज़ करते हैं और बॉक्स शैडो को हम किसी भी इमेज या किसी भी बॉक्स को बैक में जो है वो शैडो देने के लिए यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये बॉक्स शैडो कहते किसे हैं और इसे किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स शैडो लिखा हुआ है ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 2 पिक्सल। 2 पिक्सल यानी ये कि हॉरिजॉन्टल हम कितना जो है वो शैडो चाहते हैं। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो है 2 पिक्सल। 2 पिक्सल ये जो लिखा हुआ है ये है वर्टिकल लिखा हुआ है, यानी कि हम टॉप और बॉटम से कितना शैडो चाहते हैं। उसके बाद 4 पिक्सल जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे वो है ब्लर, यानी कि हमारे बैकग्राउंड में जो शेडो शो हो रहा है उसे हम कितना ब्लर करना चाहते हैं। उसके बाद 4 वाली जो वैल्यू है वो है स्प्रेड, यानी कि हम अपने जो है बैकग्राउंड में शेडो शो हो रहा है उसे कितने दूर तक फैलाना चाहते हैं। उसके बाद नॉर्मली यहाँ पे ब्लू सा कलर शो हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं शेडो में। उसे आप हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हो, RGB में भी इजीली दे सकते हैं। अब इन सब का हम प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्रोग्राम में आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट की फाइल ली हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक H1 की हेडिंग ली हुई है और यहाँ पे मैंने CSS बॉक्स शैडो का जो है वो यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे आईकार्ड भी टैग लगाया हुआ है जिससे हमारा टैक्स थोड़ा टैलिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक डिव ओपन की हुई है बॉक्स के नेम से और इस डिव के अंदर मैंने एक इमेज का टैग लगाकर यहाँ पे एक इमेज भी लगाई हुई है। और ये जो हमारी स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट को हमने अपने HTML की जो फाइल है इसमें लिंक करा दिया है। और हमारी जो स्टाइल शीट है देखिए यहाँ पे H1 की हेडिंग के अंदर मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर किया हुआ है जिससे हमारा जो टैक्स है वो सेंटर में लिखा हुआ आएगा। और बॉक्स के अंदर मैंने मार्जिन और विद और हाइट दी हुई है जिससे हमारा मार्जिन देने से हमारा जो बॉक्स है वो सेंटर में आएगा और उसकी सेम विद और हाइट दे दी। और मैंने अपने जो बॉक्स के अंदर जो इमेज शो की है वो उसमें भी हमने देखिए सेम विद और हाइट दी हुई है और उसे बॉर्डर रेडियस दे दिया थोड़ा सा। तो उसके बाद देखिए अभी हमारा जो फिलहाल आउटपुट है, हमारा फिलहाल आउटपुट देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए हमारा यहाँ पे एडिंग शो हो रही है और यहाँ पे सिंपल से हमारी एक इमेज शो हो रही है। और अब हम जो है अपनी इस इमेज के अंदर जो है अपने बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो अपने प्रोग्राम में आते हैं और प्रोग्राम में आने के बाद हम यहाँ पे जहाँ पे हमारी इमेज है इसके अंदर हम लिखते हैं बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो लिखते हैं। बॉक्स शैडो लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 2 पिक्सल। 2 पिक्सल ये जो लिखा है हमने, ये हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल, यानी कि लेफ्ट और राइट से हम कितना जो है वो शैडो देना चाहते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं 2 पिक्सल अगैन। और ये जो हमने लिखा है ये लिखा हमने वर्टिकल, यानी कि टॉप और बॉटम से हम कितना शैडो देना चाहते हैं। उसके बाद हम सिंपल सा यहाँ पे 4 पिक्सल लिखेंगे, यानी कि हमारे बैकग्राउंड में जो शेडो शो होगा उसको हम कितना ब्लर करना चाहते हैं। उसके बाद सिंपल सा हम एक कलर दे देंगे, जैसे कि मैं ग्रे कलर दे देती हूँ। इसको मैं सेव करती हूँ। सेव करने के बाद क्रोम पे आता हूँ और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे शेडो जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है आपको लाइट सा। अगर मैं इसे वैल्यू को ज़रा ज़्यादा करके दिखाऊँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 6 पिक्सल और यहाँ पे भी कर दूँ 6 पिक्सल, इसको मैं सेव करूँ, अगेन आऊँ क्रोम पे और इसे करती हूँ मैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से जो है वो यहाँ पे बैकग्राउंड में शेडो अप्लाई हो रहा है। अब हम इसके अंदर जो है वो अपनी 4th वाली वैल्यू जो है स्प्रेड वाली वैल्यू को यूज़ करके देखेंगे। तो अपने प्रोग्राम में आते हो जहाँ पर हमने ब्लर दिया हुआ है उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे स्प्रेड वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 पिक्सल। इससे क्या होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड में शेडो शो हो रहा है वो कितने दूर तक हम फैलाना चाहते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में आके दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा जो बैकग्राउंड में शेडो है वो थोड़ा दूर तक फैला। देखा आपने यहाँ पे दूर तक फैला। अगर मैं इसकी वैल्यू को मजीद बढ़ाऊँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको 30 पिक्सल करके दिखाऊँ, इसको मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अगैन क्रोम पे आऊँ और इसको मैं करूँ रिफ्रेश, तो देखिए हमारा जो बैकग्राउंड में शेडो है वो चारों तरफ से फैल गया। देख सकते हैं आप, देखिए चारों तरफ से यहाँ पे बैकग्राउंड में शेडो शो हो रहा है। अपने प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पे हम इसको 5 पिक्सल ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम अपने स्प्रेड वाली वैल्यू को 5 कर देंगे और इसको सेव करेंगे और क्रोम पे आके इसको हम इसको नॉर्मल कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल करने के बाद अब मैं जो है इसको आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा समझा देती हूँ कि किस तरह से हम शेडो देते हैं। तो प्रोग्राम में आते हैं और देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर दूँ, 20 करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल यानी राइट साइड से जो है वो हमारा शेडो थोड़ा फैलेगा। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद क्रोम पे आके अब इस तरफ देखिएगा कि हमारा जो शेडो है वो फैलेगा। इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो देखिए हमारा जो शेडो है इस तरफ से देखिए थोड़ा सा जो है वो आगे की तरफ हो गया। अब हम अगर इसको
इस तरफ लेफ्ट की तरफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम माइनस वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे माइनस लगा लूँ और इसको सेव करूँ और क्रोम पे आके इसको मैं रिफ्रेश करूँ, तो देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में शेडो अप्लाई हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप बॉटम में, जैसे कि आप यहाँ पे बॉटम में शो हो रहा है तो आप चाहते हैं कि टॉप पे शो हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप माइनस वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। तो क्रोम पे आके आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप माइनस लगा लेंगे, इसको सेव करेंगे और क्रोम पे आके रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बॉटम से हटके ऊपर टॉप पे चला गया। तो इस तरह से जो है आप माइनस वाली वैल्यू से लेफ्ट और बॉटम में कर सकते हैं, और नॉर्मल वाली वैल्यू से आप राइट और बॉटम में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल जो है वो इजीली वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से जो है वो अप्लाई करके शेडो को देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आके क्रोम पे अगर मैं इसको देखिए रिमूव कर दूँ, ये हमारे पर ऑप्शनल होता है कि अगर हम इसे अप्लाई नहीं करें फिर भी हमारा जो है वो शेडो जो है वो शो होगा। मैं इसको सेव करती हूँ, सेव करने के बाद आपको चेक करवाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए बैकग्राउंड में इसका अभी भी जो है वो शेडो शो हो रहा है, क्योंकि वो हमारे पास जो होता है ब्लर और स्प्रेड वाली वैल्यू हमारे पास वो ऑप्शनल होती है, उसे हम यूज़ करें ना करें लेकिन हमारे बैकग्राउंड में शेडो लाजमी शो होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू को मैं कम कर देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्मल मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10, और यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे 6 कर देती हूँ। इसको मैं सेव करके इसे करके दिखा देती हूँ नॉर्मल किस तरह से दिख रहा है। तो देखिए इस तरह से आप जो है वो बैकग्राउंड में शेडो को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड के शेडो अप्लाई करने से क्या होता है कि हमारा जो इमेज होती है या कोई बॉक्स होता है उससे हमारी जो इमेज है वो थोड़ी उभरी हुई शो होती है। तो इस तरह से जो है आप बॉक्स शेडो की जो है प्रॉपर्टी को इजीली यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और डिफरेंट तरीके से आप इसे करके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।